नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑथम न्यूज। मैं हूं आपके साथ महिमा। देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकार के साथ साथ आम जनता की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। इन सबको देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इन सब गाइडलाइंस। कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों से हवाई मार्ग और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, साथ ही लक्षण मिलने पर आरटीपीसीआर की जांच भी की जाएगी। दस्तक अभियान के तहत घर घर जाकर टेस्टिंग के कार्य कर रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स से प्रतिदिन इस विषय में एकत्रित जानकारी ली जाएगी और उस पर ध्यान भी दिया जाएगा। नई गाइडलाइंस में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क समेत कोरोना के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के भी निर्देश हैं। लॉकडाउन के दौरान से ही धारा 144 लागू है, जिसकी डेट आगे बढ़ाने का काम किया गया है। वहीं गाजियाबाद में अब 25 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही नोएडा में भी धारा 144 को 30 अप्रैल तक लागू कर दिया गया है। बढ़ते कोरोना और त्योहारों का हवाला देते हुए प्रशासन की ओर से सख्त कदम भी उठाए गए हैं। मास्क नहीं पहना है तो अब सभी मॉल, स्कूलों और सभी महत्वपूर्ण जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। आदेशों में चेतावनी भी दी गई है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा चलेगा। इनके अलावा यूपी में प्रदर्शन और भूख हड़तालों जैसे कार्यक्रमों पर भी बैन लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने पर फोकस है। साथ ही ये भी साफ किया है कि सरकार आने वाले समय के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को भी खारिज किया है। कहा है कि लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर अभी कोई विचार नहीं है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।